तो आज हम हिंदी सिनेमा के काफी अच्छे एक्टर इमरान हाशमी की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2022 से लेकर 2023 तक रिलीज होने वाली है। इमरान हाशमी की काफी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। वन प्लेस पे टाइगर 3 इमरान हाशमी की आने वाली एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का बजट अप्रॉक्स 400 करोड़ है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज टाइगर का थर्ड पार्ट होने वाला है। टाइगर सीरीज में अभी तक दो फिल्में आ चुकी है, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, और दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है। तो देखते हैं टाइगर 3 क्या कमाल करती है। इस फिल्म में हम सभी को सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी नेगेटिव रोल में दिखाई देने वाले हैं और उनका सलमान खान के साथ यानी टाइगर के साथ बहुत ही तगड़ा वाला फेस ऑफ होने वाला है, जिस चीज को देखने के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए मनीष शर्मा, फिल्म में म्यूजिक प्रीतम का होने वाला है और ये फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है 2023 के मौके पर। वैसे ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होने वाली है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही है। नंबर 2 प्लेस पे सेल्फी इमरान हाशमी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ पहली बार अक्षय कुमार दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में डायना पेंटी और नुसरत भरूचा भी दिखाई देने वाली हैं। डायरेक्शन दिए हैं राज मेहता जो कि गुड न्यूज और जुग जुग जियो जैसी फिल्में बना चुके हैं। इस फिल्म को 24 फरवरी को रिलीज करने वाले हैं 2023 के मौके पर थिएटर्स में। वैसे ये फिल्म 2019 की एक बेहतरीन मलयालम फिल्म और काफी एंटरटेनिंग फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी रीमेक होने वाला है। जो फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कलेक्शन की थी। इस फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और फिल्म 31 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। वैसे इस फिल्म को पृथ्वीराज सुकुमारन और करण जौहर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक फिल्म सुपरस्टार का रोल प्ले करने वाले हैं और इमरान हाशमी इस फिल्म में एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। और इस फिल्म में हम सभी को ये दोनों का क्लैश देखने मिलेगा यानी झगड़ा देखने मिलेगा, जिसको देखने के लिए भाई साहब मजा आने वाला है। नंबर 3 पे ग्राउंड जीरो। ये फिल्म इमरान हाशमी की आने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्शन दे रहे मराठी डायरेक्टर तेजस विजय देवोस्कर जो कि बकेट लिस्ट जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी पहली बार एक आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखाई देने वाले हैं जो कि काफी डेंजरस मिशन पर है। इस फिल्म की शूटिंग इमरान हाशमी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कश्मीर में और ये फिल्म भी 2023 तक आने वाली है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी और ये फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। नंबर 4 प्लेस पे जन्नत 3 इमरान हाशमी की आने वाली एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली जिसको डायरेक्शन कुणाल देशमुख ही देने वाले हैं। जन्नत की पहली फिल्म 2008 में आई थी जो कि एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और दूसरी फिल्म जन्नत 2 2012 में आई थी और ये फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इमरान हाशमी की पॉपुलर फ्रेंचाइज जन्नत का थर्ड पार्ट भी आने वाला है, ऐसा डायरेक्टर कुणाल देशमुख कन्फर्म कर चुके हैं। ये मूवी पिछले दोनों फिल्मों से काफ़ी अलग होने वाली है और इस फिल्म में इमरान हाशमी काफ़ी फ्रेश कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं, ऐसा डायरेक्टर खुद कन्फर्म कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग इस साल नहीं तो अगले साल से शुरू होने वाली है और ये फिल्म हम सभी को 2023 नहीं तो 24 तक देखने मिलेगी। देखो मैं तुम्हें लाइन नहीं मार रहा हूँ, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। नंबर 5 प्लेस पे इमरान हाशमी की भूषण कुमार के साथ एक फिल्म पर बातचीत चल रही है जो कि एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म की कहानी नॉर्थ इंडिया में सेट होने वाली है। ये फिल्म अभी डिस्कशन स्टेज पर है इसलिए इस फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं। नंबर 6 पे सब फर्स्ट क्लास है। ये इमरान हाशमी की आने वाली एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में वो एक कॉमन मैन के रोल में दिखाई देने वाले हैं जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी भी होने वाला है। वैसे फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं बलवंदर सिंह झंझुआ और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं दीपक मुकुट, शिवांशु पांडे और अभय सिन्हा इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस फिल्म से पहले इमरान हाशमी जवानी दीवानी, कंचक्कर, गुड बॉय बैड बॉय और दिल तो बच्चा है जैसे फिल्मों में कॉमेडी कर चुके हैं। तो देखते हैं इस फिल्म में कॉमेडी कैसी होती है। अले बंदर, इतना भी पता नहीं है गजनी में सैफ अली खान था। बस ऑन प्लेस पे फादर्स डे।
फादर्स डे इमरान हाशमी की आने वाली एक ऐसी फिल्म है जिसकी अनाउंसमेंट 2018 में हो चुकी है और फिल्म अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये फिल्म आ सकती है। इस फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं और इस फिल्म में वो सूर्यकांत भांडे पाटिल के रोल में नजर आने वाले हैं। वो इंडिया के टॉप डिटेक्टिव थे जो कि 120 बच्चों का किडनैपिंग केसेस फ्री में सॉल्व किए थे। इंटरेस्टिंग, उन्हीं के लाइफ पर इस फिल्म की कहानी बेस होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए शांतनु बागची और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। नंबर 8 प्लेस पे मर्डर 4, इमरान हाशमी मर्डर की फोर्थ पार्ट में भी दिखाई देने वाले हैं, ऐसा वो काफ़ी साल पहले कंफर्म कर चुके हैं। वैसे आप सभी को बताएं, इमरान हाशमी मर्डर के पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में दिखाई दिए थे, लेकिन थर्ड पार्ट में हम सभी को रणदीप हुड्डा दिखाई दिए थे। मर्डर 3 फिल्म ऑडियंस को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं की थी, तो देखते हैं मर्डर 4 कब तक आती है और कैसा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पर। तो ये थी इमरान हाशमी की आने वाली सभी की सभी फिल्में जो कि 2022 से लेकर 2023 तक रिलीज होने वाली है। तो आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शुक्रिया। और आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर ये भी बताना है।